हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बड़ा ही कॉमन टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें पेशेंट को अपने जो बांह होता है उसके लेफ्ट साइड में इस पॉइंट पे एल्बो के पास पेन स्टार्ट होता है, दैट इज नोन एज कॉमनली एज टेनिस एल्बो इन द मेडिकल टर्म। तो ऐसा कब होता है, जो भी इस तरह के काम एंगेज है जहां पे बार बार उनको अपना कलाई को इस्तेमाल करना है, बेसिकली पीछे लेके आना है, ऐसे कोई भी काम करते हैं तो कुछ समय के बाद उनको यहाँ पे पेन स्टार्ट होता है और ग्रेजुअली फ्यूचर में वो पेन स्टार्ट होकर यहां से यहां तक आ सकता है। उसके बाद उनके पास जो भी डेली रूटीन का वर्क होता है उस पर काफी उनको इंटेंसिफाइड पेन फील होता है और एक समय ऐसा भी आता है अगर उसको सही टाइम पे इलाज ना किया जाए तो अपने कलाई को ठीक से यूज नहीं कर पाते हैं। सो दिस कंडीशन इज कॉमनली नोन एज टेनिस एल्बो। सो आई थिंक आपको रिमेम्बर होगा कि कुछ साल पहले जो अपने फेमस क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर, उनको भी इस डिजीज से सफर करना पड़ा था और कुछ समय के लिए पहली बार उनको अपने गेम से आउट होना पड़ा था और फाइनली उनको अब्रॉड जाकर के इसकी सर्जरी करानी पड़ गई थी। तो आप समझ सकते हैं ये केस कितना क्रिटिकल हो सकता है फ्यूचर में अगर सही टाइम पे इसका इलाज ना हो सके तो। ओके सो लेट्स सी व्हाट इज टेनिस एल्बो। सो बेसिकली ये एक तरह का इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होता है जहां पे आपके जो एल्बो के पास से जो कॉमन एक्सटेंसर मसल्स निकलते हैं जो कि बेसिकली क्लाई और फिंगर को पीछे बेंड करने के लिए या उठाने में हेल्प करते हैं, उनका इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है। तो इन्फ्लेमेशन के हमारे पास तीन साइड हो सकते हैं। फर्स्ट आपका हो गया दैट इज द टेनो पेरियोस्टियल जंक्शन, इट मीन जो मसल्स का टेंडन है और जो आपका बोन है उस जो जंक्शन होगा उसका उस पॉइंट पे पेन स्टार्ट होगा। सेकेंड डायरेक्टली जो आपका टेंडन है मसल्स का कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन मसल्स का जो टेंडन है वहां पे पेन स्टार्ट हो सकता है। थर्ड आपका हो गया जो मसल्स और टेंडन का जंक्शन है वहां पे पेन स्टार्ट हो सकता है। सो जैसे मैंने बताया कि जो कॉमन मसल्स अफेक्टेड होते हैं दैट इज द कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन मसल्स, जिसमें मोस्ट कॉमनली जो अफेक्टेड होता है दैट इज द ईसीआरबी एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेवियर मसल्स। इसके अलावा जो आपके एक्सटेंसर डिस्टोरल मसल्स हैं वो भी अफेक्टेड हो सकते हैं लेटर ऑन, बट दिस इज द मोस्ट कॉमनली मसल्स। तो अब इस केस में हम देखते हैं कि इसका मेन जो कॉजेज है वो क्या हो सकता है। सो कोई भी ऐसे काम में इंगेज है जहां पे अपने कलाई को बार बार इस्तेमाल करना है, सपोज आप किसी बैग हेवी बैग को कैरी कर रहे हैं, आप ब्रीफकेस को कैरी कर रहे हैं, आप टेनिस खेलते हैं, आप बैडमिंटन प्ले करते हैं, आप किचन में हेवी जो बर्तन है उसको उतार रहे हैं गैस स्टोव से या कुकर हो गया कढ़ाई हो गया इसको आप उतार रहे हैं, या सपोज आपका जो घर का जो नल है जो टैप है वो काफी टाइट है उसको आप एक फोर्सफुल एक्टिविटी से उसको आप ओपन कर रहे हैं, या आपके जो वार्डरोब है जो सेल्फ है उसपे जो आपके हैंडल लगे हैं वो काफी थिन है और काफी फोर्स लगा के उसको आप ओपन कर पा रहे हैं। ओके या फिर आपका जो घर में जो बाइक या स्कूटर आप चला रहे हैं उसके जो हैंडल होते हैं अगर उसका थिन ग्रिपिंग होगा उस केस पे भी आपके जो मसल्स हैं यहाँ पे टाइटली ग्रिपिंग करना होता है, तो जितना टाइटली ग्रिप करेंगे उतना ज्यादा स्ट्रेन आपके मसल्स पे आता है। ओके तो इस केस में आपका मसल्स अगेन इन्फ्लेम हो सकता है। इसके अलावा सपोज कोई प्लम्बर है कोई इलेक्ट्रिशियन है जहां पर उनको बार बार अपने स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करना है या ब्लास्ट का इस्तेमाल करना है, ऐसे एक्टिविटी में भी यहाँ पे आपका स्ट्रेन आता है। ये कोई घर में ओल्ड एज पर्सन है अगर गार्डनिंग कर रहे हैं पाइप से पानी दे रहे हैं या मग से पानी डाल रहे हैं अगर काफी हेवी वेट रहेगा वहां भी स्ट्रेन आ सकता है। कोई अगर कंप्यूटर ऑपरेटर है उसका पूरे दिन का काम है 6 to 8 hours का जॉब उनका है। ओके सो होल डे उनको कंप्यूटर ऑपरेट करना है रिस्ट सपोर्ट एल्बो सपोर्ट नहीं होगा सो इन दैट केस भी आपका मसल्स यहाँ पे इन्फ्लेम हो सकता है। इसके अलावा अगर ओल्ड एज की बात करें हम लोग ये नॉर्मली आपको मिड एज में देखने को मिलता है, यंग एज के बाद जो मिड एज है ज्यादा अफेक्टेड होते हैं और जो ओल्ड एज में भी चूंकि मसल्स हमारा वीक हो जाता है तो ऐसे लोग भी अगर उनका एक्टिविटी सच टाइप का होता है तो जल्दी अफेक्टेड होते हैं। ओके तो ये कुछ कॉमन कॉजेस हो गए। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है अगर कोई सफर कर रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डाइटिस से तो बिकॉज हमारे इस मसल्स का जो नर्व सप्लाई होता है दैट इज द रेडियल नर्व। तो रेडियल नर्व हमारे जो नेक में हमारे जो ब्रैकियल प्लेक्सस होते हैं यहां से निकलता है और अगर हमारा मसल्स यहां का टाइट होगा ये भी उस नर्व को कंप्रेस करेगा सो दैट्स व्हाई भी हमारा ये टेनिस एल्बो कॉज करता है। ओके सो मेडिकल में बेसिकली ट्रीटमेंट जो यहां पे होता है इस लेवल के लिए करते हैं, बट अगर आप फिजियोथेरेपी के पास जाएंगे उनके पास आप कंसल्ट करेंगे तो वो कंप्लीट आपका एक असेसमेंट करते हैं और चेकअप करने के बाद इसका रूट लेवल क्या है इसका रूट कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं उस पर वो असेसमेंट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको गाइडलाइन देंगे। ओके सो नाउ कम टू द सिम्टम्स।
तो बेसिकली इससे पेशेंट को पेन कहां होगा, स्टार्टिंग जो होता है ओवर द लैटरल एपिकोंडाइल, इस पॉइंट के पास आपको पेन स्टार्ट होगा जो ग्रेजुअली ऐसे ट्रेवर्स करके एल्बो के नीचे तक आता है। फाइनली आपको देखिएगा जो मसल्स का एडिशन है, इट मीन जो काफी टाइट हो जाते हैं मसल्स यहाँ के, ये पेन संभव आपको नीचे भी रेडिएट कर सकता है और कभी कभी ये ऊपर की तरफ भी जाता है। और बेसिकली पेशेंट को अपने कलाई को बेंड करने में काफी पेन होता है। ओके तो ऐसा कोई भी एक्टिविटी जहां पे ज्यादा आपका फिंगर या कलाई का काम होगा उसके से पेन आपका इंक्रीज कर जाता है। ओके देन समहाउ इनको आपको कुछ कभी कभी कुछ पेशेंट बताते हैं कि मुझे यहाँ पे स्वेलिंग भी हो गया है और पेन काफी इंटेंसिफाई भी हो गया है। सो आपको देखने को फाइंडिंग मिल सकता है। देन कम टू द ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट में बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि आप मेडिकल भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं और फिजियोथेरेपी में भी। सो आई थिंक फिजियोथेरेपी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर मसल स्टिफ हो गया है उसको सॉफ्ट करने के लिए हम किसी मेडिकेशन से काम नहीं ले सकते हैं। तो फिजियो में आपको कंप्लीट मसल्स को सॉफ्ट बनाया जाता है, देन आपकी एक्टिविटी को वहां पे इंप्रूव किया जाता है। मेडिकल में क्या है, आपको जो पेन किलर ड्रग्स होते हैं वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, इसके अलावा आपको बोलते हैं रेस्ट करने के लिए और एक एल्बो स्ट्रैप या एल्बो बैंड के लिए आपको सजेस्ट किया जाता है ताकि मसल्स को प्रॉपर आप यहाँ पे गार्ड कर सके, उसको आप प्रोटेक्टिव एक लेयर प्रोवाइड कर सके। ओके सो फिजियोथेरेपी में बेसिकली जो एक्सपर्ट फिजियो होते हैं दो तीन पैटर्न से इसको आप ट्रीट करते हैं। फर्स्ट हो गया आपको इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज, सेकंड हो गया एक्सरसाइज, थर्ड हो गया मैनुअल थेरेपी। सो इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज में बेसिक जो कॉमन यूज किया जाता है दैट इज द अल्ट्रासोनिक। सो अल्ट्रासोनिक से आपका जो पेन है, इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है और जो मसल्स का एडिशन है उसको ब्रेक किया जाता है। ओके इसके अलावा फॉर द पेन रिलीफ वी कैन अप्लाई द टेंस इंटरफेरेंशियल थेरेपी, इवन शॉर्टवेव डायथेरेपी भी अप्लाई करते हैं जस्ट टू रिजॉल्व द इन्फ्लामेशन एंड द पेन स्वेलिंग। ओके और अगर पेन काफी इंट्रैक्टेबल है, काफी क्रोनिक हो गया, उस केस में लेजर का यूज किया जाता है। सो ये कुछ कंडीशंस हो गए। एक्सरसाइज थेरेपी में बेसिकली अगर मसल्स का एडिशन हो गया है तो उसको ब्रेक करने के लिए फ्रिक्शन मसाज का यूज किया जाता है ताकि जितने भी टिश्यू का एडिशन हो गया है वहां पे वो ब्रेक कर सके। इनकेस ऑफ मैनुअल थेरेपी यहां भी हम लोग बहुत सारे टेक्निक का यूज करते हैं, लाइक एमईटी हो गया, मायोफेशियल रिलीज हो गया, कैलोस्टर टेपिंग हो गया, इसका काफी अच्छा रोल होता है। सो टेपिंग बेसिकली क्या करता है, आपके मसल्स को ये लगाने के बाद वो लिफ्ट करता है। सो लिफ्टिंग से क्या होता है, जो हम अंडरलाइन जो टिश्यू का इन्फ्लामेशन है उसका करेक्शन होता है, अगर एडिशन हो गया है ये उसको ब्रेक करता है। ये काफी इफेक्टिव मेथड होता है टू कंट्रोल द पेन, स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन। इसके अलावा मैनुअल थेरेपी में अगर किसी पेशेंट का सर्वाइकल स्पाइन अफेक्टेड है उस केस में एक फिजियो कंप्लीट उसका असेसमेंट करता है सर्वाइकल स्पाइन का और देखता है कि किस लेवल पे जो रेडियल नर्व का कंप्रेशन है लाइक C5, C6, C7, तो उसके अकॉर्डिंग या तो हम टेक्निक यूज करते हैं मोबिलाइजेशन का या फिर मैनिपुलेशन का ताकि जो नर्व पे कंप्रेशन पॉइंट बना हुआ है उसको हम डिकम्प्रेस कर सकें और टिल देन तभी हमारा कंप्लीट जो टेनिस एल्बो का क्योर हो सकता है। सो उस केस में ऑनली मेडिकेशन आपके लिए क्यूरेटिव नहीं हो पाएगा। ओके तो अब इस केस को टेस्ट करने का कुछ तरीका भी होता है क्लिनिकली, हाउ टू आइडेंटिफाई द केस, कुछ है जैसे सपोज कोजेंट टेस्ट, मेल्स टेस्ट एंड द मोस्ले टेस्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको कोजेंट टेस्ट बता रहा हूं सिंपली और नेक्स्ट वीडियो में आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि मैं बाकी टेस्ट को भी मैं डिटेल्स में आपको शेयर कर दूंगा। ओके सो वेट फॉर दैट। सो कोजेंट टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, सो कोजेंट के लिए बेसिकली जो पेशेंट का जो आर्म होगा उसको बोलेंगे अपने साइड में रखना है, फोर आर्म को रखना है ऐसे कंप्लीट प्रोनेशन में, रिस्ट को करना होगा ऐसे कंप्लीट बेंडिंग में, फिंगर में बेंडिंग रहेगा और जो थेरेपिस्ट होते हैं उसको यहाँ पे ऐसे रोकते हैं जस्ट प्रोवाइड द रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट पेशेंट को बोलते हैं अपने कलाई को पीछे लेके आना है। अगर ऐसा करने में पेशेंट का पेन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है या उसको फील हो रहा है तो हम इस टेस्ट को पॉजिटिव मानते हैं और ऐसा कंफर्म करते हैं द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द टेनिस एल्बो। ओके तो इस डिजीज से घबराने की बात नहीं है, इट्स ए कॉमन डिसऑर्डर, इट्स ए कॉमन टाइप ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर और इसका की इलाज संभव है। सो आप ट्राई करें, जैसे आपका पेन स्टार्ट होता है आपका क्या क्या रूट कॉज होगा इसको जो डॉक्टर होंगे या फिजियोथेरेपिस्ट होंगे इसको आपको असेस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट भी करेंगे, सही एडवाइस देंगे और आपका जो भी वर्किंग पैटर्न है उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं। सपोज फॉर द किचन, किचन में आपको देखना है नॉर्मल जो आपका जो कुकर होता है अगर कम लीटर का है, सपोज 2 या 3 लीटर का होता है, उसके इसमें साइड में हैंडल लगे नहीं होते हैं। सो नॉर्मली हाउसवाइफ क्या करती हैं, उसको सिंगल हैंड से उतार के गैस स्टोव से वापस नीचे लेके आती हैं। सो टिल देन आपको काफी स्ट्रेन यहां पड़ता है।
तो आपको ट्राई करना है कि या तो कुकर को हम गैस स्टोव पे ही थोड़ा हल्का कर ले, सामान जो है इसको निकाल लें, या फिर दोनों हाथ से इसको उठा के वापस नीचे लाएं, या कोशिश करें जहां पे साइड में हैंडल लगा है और दोनों हैंड का यूज करके हम उसको नीचे लेकर के आए। सिमिलरली आपको कपड़े निचोड़ने वाला काम है उसको अवॉइड करना होगा, इसके जगह आप वॉशिंग मशीन का यूज कर रहे हैं, इवन वॉशिंग मशीन में भी जो आपका गीला कपड़ा है उसको आप भारी होकर ना उठाए, पहले इसको आप पानी को ड्रेन कर लें, उसके बाद जो ड्रायर पार्ट होता है उसमें इसको आप डालेंगे तो आपके हैंड पे जो है आपको स्ट्रेस कम पड़ेगा। ओके, इसके अलावा जो हेवी बकेट है उसको ना उठाए, अगर बकेट का हैंडल आपको काफी अगर थिन लग रहा होगा तो जो थिक हैंडल का बकेट होगा उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपके जो भी टू व्हीलर जो भी आपके पास होगा, बाइक हो या स्कूटी हो, उस पर ट्राई करें जो उसके हैंडल होते हैं उस पर एक्स्ट्रा ग्रिपर लगा लें, तो एक्स्ट्रा ग्रिपर से आपके मसल्स पे उतना स्ट्रेन नहीं आएगा। ओके, अगर आपके टैप काफी टाइट हो गए हैं तो लूज फिटिंग वाले लगा लें, या कुछ टैप में एक लॉन्ग हैंडल लगा होता है उसको यूज करेंगे तो आपके मसल्स पे उतना स्ट्रेन नहीं आएगा। ओके, अगर कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं तो बीच बीच में थोड़ा सा कलाई का एक्सरसाइज भी कर लें, इसके मसल्स आपके फ्री हो जाते हैं। इसके अलावा आप ट्राई करें कि अपने जो रिस्ट है रिस्ट पैड का इस्तेमाल करें, और जो चेयर आपका है सो चेयर में आपका एल्बो सपोर्ट लगा होना चाहिए, इट मीन्स अगर आर्म चेयर लगा होगा उसमें सो आपका एल्बो वेल सपोर्टेड होगा, इससे आपके रिस्ट पे एल्बो पे और शोल्डर पे स्ट्रेन नहीं जाएगा। ओके, घर में इलाज के लिए आप यू कैन गो फॉर द हॉट फॉर्मेंटेशन, इसको हल्के से आप नीडिंग करें मसाज करें तो भी फ्री होगा, और ट्राई करें इसमें एल्बो स्ट्रैप और एल्बो बैंड का इस्तेमाल करने का। ओके, कोई भी हेवी ऑब्जेक्ट ना उठाएं। नॉर्मली लोग कहते हैं, ऐसे पेशेंट जो आते हैं कि सर हम तो बस 2 किलो का भाजी लेके आते हैं, 2 किलो का ग्रोसरी लेके आते हैं तो उसमें कितना वेट पड़ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आपका मसल्स अफेक्टेड हो गया है तो मे बी 250 ग्राम भी वो लोड लेने के कंडीशन में नहीं होता है, बिकॉज उसका सारा टेंशन आपके मसल्स पे जाता है। ओके, तो ट्राई करें आप जो भी लोड बियर कर रहे हैं उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें, और कोशिश करें जो आपका अच्छा हैंड है उसमें आप लोड को बियर करेंगे तो आपका जो अफेक्टेड मसल्स है उस पर ज्यादा स्ट्रेन नहीं आएगा। ओके, इन कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट में आपको फिजियोथेरेपी में क्या क्या ट्रीटमेंट होता है फॉर द टेनिस एल्बो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपने कंडीशंस का अच्छे से किसी अच्छे फिजियो से आप इलाज करवा सकते हैं, आप जो भी आपके नियर बाय अवेलेबल होंगे। ओके, इसके अलावा मैं सारे टेस्ट को भी शेयर करूंगा, सो जस्ट वेट फॉर दैट, होप सो कुछ ये बेसिक टिप्स आपके यूज में आएगा, और बेसिक गाइडलाइन को फॉलो करके आप अपने टेनिस एल्बो पेन को कंट्रोल